आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू पकौड़ा। उसके लिए मैंने यहाँ पर दो कच्चे आलू लिए हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से छील कर पानी के अंदर रख दिया है ताकि ये काले ना पड़े। यहाँ पर मैंने एक बर्तन के अंदर पानी लिया है। इस ग्रेटर्स की हेल्प से हम ग्रेट करके लंबे लंबे लच्छे निकालेंगे। ये देखो इस तरीके से, और दोनों भी आलू को हम इसी तरीके से घिस लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे घिस लिया है। अभी मैं इसे 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी ताकि इसके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाए। इसे 3-4 पानी से धोने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर का पूरा स्टार्च निकल गया है। अभी हम इसे पानी के अंदर से निचोड़ कर निकालेंगे। आलू के अंदर का पानी मैंने निकाल दिया है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च या तो 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून डालेंगे मैदा और 1 टेबलस्पून डालेंगे चावल का आटा और इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी पानी नहीं मिलाना है, बस आलू के अंदर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है इस तरीके से, बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। अभी इसे हम गरम तेल के अंदर मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर एक बैच को फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। ये अभी अच्छी तरह से क्रिस्पी कुरकुरे बने हैं। अभी हम इनको बाहर निकालेंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से हम सारे पकोड़े बना कर लेते हैं। इस तरीके से क्रिस्पी कुरकुरे गर्मा गर्म आलू के पकोड़े बनकर तैयार है। इसे आप सेजवान चटनी, टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ खा सकते हो। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं आप देख सकते हो, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।